श्योर, अगर 9 टाइम्स सप्ली लेने वाला बच्चा मेरे पास आकर अपनी बीए की इंग्लिश क्लियर कर सकता है, देन यू कैन आल्सो डू इट. यू कैन गैदर गुड मार्क्स इवन इन इंग्लिश ऑफ बीए इन 2 मंथ्स बाय गिविंग 3 आवर्स डेली. वो दौर बिल्ली ले गई है जहां बीए एक बला का नाम था. मिस्टर भुट्टा ने बीए के सर पर बैंग किया है. पंजाब सरगोधा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बच्चों से बीए की डिग्री बचाती फिरती है. वाई इज वेरी सिंपल. आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, फोर्थ ईयर के, या कंबाइन पेपर चेज कर रहे हैं, फार्मूला एक ही है, पेपर बी. ज्यादा बच्चे इसी पेपर में फेल होते हैं और पेपर चेकर कहते हैं जो बी में पास वो बीए पास. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे राइटिंग है, 25 मार्क्स का ऐसे है. मैं आपको 5 ऐसे तैयार करवाऊंगा, उसी में से एक ऐसे आ जाएगा. साथ मैं आपको खुद से ऐसे लिखने और उसकी आउटलाइन बनाने की प्रैक्टिस दूंगा. जस्ट इन 2 लेक्चर्स आप उसके बाद खुद से जनरेट करेंगे आउटलाइन और ऐसे. आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो 25 में से 12 मार्क्स लाजमी गेन करेंगे. प्रेसेस एंड कैम्प्रीहेंशन की प्प्रैक्टिस दूंगा, उसके 3 to 4 लेक्चर्स दूंगा. आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप 25 में से 12 मार्क्स, 12 छोड़िए, 8 मार्क्स लाजमी गेन कर लेंगे. प्रेसेस कैम्प्रीहेंशन की आखिर प्रैक्टिस करेंगे, 8 मार्क्स तो लेंगे उसमें से. लेटर्स एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन तैयार कराऊंगा, बहुत अच्छी तैयार करेंगे, वहीं आएगी. और अगर आप उसमें मिस्टेक कोई नहीं करेंगे तो आपको पेपर चेकर 10 मार्क्स देगा आउट ऑफ 15. लेटर्स 5 तैयार कराऊंगा, हो सकता है एप्लीकेशन ना आए, तो लेटर और एप्लीकेशन में से 15 में से 10 मार्क्स श्योर हैं. ईडियम या करेक्शन, इन दोनों में मार्क्स हमेशा पूरे आते हैं. ईडियम तो बहुत मुश्किल है, याद करने पड़ते हैं, मैंने उसका हल निकाल दिया है और तमाम प्रोफेसरान ने मुझे मुबारकबाद दी है. याद करने का काम कम कर दिया है, 30 ईडियम का एक सेंटेंस बना दिया है. आप ये तैयार करेंगे और आप अगर 15 सीरियल तैयार कर लेते हैं, हिस्ट्री देख लीजिए, हमेशा इसी के अंदर से ही ईडियम आते हैं. तो 10 ईडियम्स होंगे, उनमें से 5 करने होंगे. आप 5 करेंगे, आपको आते होंगे, आप किसी से नहीं पूछेंगे. 10 out of 10 करेक्शन के 100 रूल्स तैयार कराऊंगा ताकि फ्यूचर में आपकी जॉब पर आपके काम आए, आप सही इंग्लिश लिखें और बीए में भी सही इंग्लिश. 10 सेंटेंस इनकरेक्ट होंगे जिनको करेक्ट करना होगा, तो 10 में से 5 आपने करने होंगे तो वो आपको आते होंगे, दिस इज माई गारंटी. तो 10 out of 10 डायलॉग की प्रैक्टिस कराऊंगा, ये बेसिक चीज़ है, इसी के ऊपर आप क्रिएटिव राइटिंग सारी सीखेंगे. पहले के 2 सेंटेंस आपको लिखवा दूंगा, बहुत अच्छे होंगे. लास्ट के 2 सेंटेंस लिखवाऊंगा, बहुत अच्छे होंगे. दरमियान में आपने 8 टाइम्स मुख्तलिफ करेक्टर बात करेंगे, तो इस तरह से ये डायलाग लिखेंगे आप और 15 में से 10 मार्क्स लेंगे, क्योंकि इस डायलाग में कोटेशंस होंगी और बहुत सारे फार्मूलाज होंगे इसके अंदर. डोंट बी वरी अबाउट इट, हर चीज़ आपको आ जाएगी, आपका हाथ क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा. और यही यूनिवर्सिटी चाहती है और यही हम करने जा रहे हैं. तो 10 मार्क्स आएंगे, ट्रांसलेशन आप नहीं करेंगे. ट्रांसलेशन कभी भी पेपर चेकर को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसके जहन में जो ट्रांसलेशन होती है वो कभी आप मीट ही नहीं कर पाते. आपको आधा नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर देकर रुख्सत करता है. 12 मार्क्स लिए, 8 लिए, 10, 10, 10, 10, टोटल मार्क्स 60 हो गए. 60 मार्क्स आप गैदर कर सकते हैं इफ़ योर कोच इज कॉम्पिटेंट. आपको पास होने के लिए बाकी 6 मार्क्स चाहिए, पूरा पेपर ए पड़ा हुआ है. आइए पेपर ए में आप क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ 6 मार्क्स चाहिए. पहला पोर्शन है इंग्लिश वर्स यानी पोएट्री. पोएट्री में
20 marks का reference context explanation है, 20 marks का question answer है, तो 40 marks का ये portion है, छोटी सी book है poetry की, मैंने एक poem का एक ही multi-material बना दिया है, उसका नाम रखा है critical appreciation, अगर stanza आ जाए तो वहीं लिखना है, कोई भी question आ जाए तो वहीं लिखना है, मैंने लफ्ज तोल तोल के रखा है उसके अंदर, ऊपर आपको 10 से 15 क्वेश्चन नजर आएंगे और नीचे उनका आंसर होगा, हर सवाल का जवाब आप तलाश करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे अपने कोच को कि मिस्टर भुट्टा आपने ईमानदारी से हर चीज पूरी की है, और पेपर चेक कर उसके अंदर कोट्स देकर, उसके एनर्जेटिक वर्ड्स देकर, उसके अंदर अलाइव वर्ड्स देकर, उसके अंदर रेपिटेशन ना देकर, वो साथ वाले को बताएगा कि इस बच्चे की स्कूलिंग अच्छी है, इस बच्चे का टेस्ट अच्छा है, ये बच्चा कॉम्पिटेंट है, वो आपको बहुत अच्छे नंबर देगा, और बहुत अच्छे नंबर होते हैं 25-40 में से। शॉर्ट स्टोरीज, एक शॉर्ट स्टोरी एक ही मल्टी आंसर है, तमाम सवालों का जवाब है, सिर्फ बातें नहीं हैं, सिर्फ सवाल और जवाब अलग अलग नहीं है, बाकायदा लफ्ज तोल कर रखा है उसके अंदर। ऐसी रिदम बनाइए सेंटेंसेस की कि आपकी इंग्लिश खुद ब खुद ठीक होती जाती है। तो 20 मार्क्स की शॉर्ट स्टोरीज हैं, 15 नंबर आप लेंगे अगर आप उस थोड़े से मटेरियल को जो आपने याद किया है उसमें गलती नहीं करते। मॉडर्न एसेज 20 मार्क्स का है, 15 लेंगे, मैंने मोस्टली मॉडर्न एसेज का एक आंसर बना दिया है। द ओल्ड मैन एंड द सी नावल है, नावल के 20 क्वेश्चंस हैं, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कर लीजिए, मिस्टेक नहीं करेंगे, 20 में से 15 मार्क्स जमा कीजिए, पोएट्री में से 25 और फिर 15 15 15, 70 मार्क्स पेपर ए में से गैदर कर सकते हैं। हमारे एकेडमी के और ऑनलाइन स्टूडेंट मोस्टली 100 प्लस में क्यों जाते हैं, उसकी रीज़न यही है, बच्चे फेल नहीं होते, दिस इज श्योर, पेपर ए में से ही आप 70 मार्क्स गेन कर सकते हैं, और बी में मैंने आपको बताया है, बी के अंदर आप 60 मार्क्स गेन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तीन बातें जहन में रखें, पहली बात, बीए के स्टूडेंट को कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहिए, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, प्राइवेट स्टूडेंट हैं, आपकी डिग्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता। टू, बेटर है कंबाइन बीए कीजिए। थ्री, क्रिएटिव राइटिंग सीखिए, मैं आपको क्रिएटिव राइटिंग खुद से क्रिएट करने के लिए 30 लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा 5000 में, और ये 30 लेक्चर्स आपकी लाइफ हैं, आप जॉब पर जाइए, आप बैंक जाइए, आप स्कूल जाइए, आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, बीए के लिए ये एसेट है, बुनियाद है, खुद से लिखना आना चाहिए, इखलाकी तौर पर अच्छी बात है, और आपको आएगी, एक लेक्चर 10 मिनट्स का होगा या 15 मिनट्स का होगा, मैं आपका दिमाग नहीं खाऊंगा, मैं सफ़े के सफ़े नहीं भरवाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल उतनी इंग्लिश सिखाऊंगा जितनी आपको ज़रूरत है। करना क्या है आपने, स्टेप वन, नोट्स मंगवाएं, फी 3500 है, बैंक अलफला में जमा कराएं या इजी पैसा अकाउंट में दें, 2 डेज में पंजाब में आपको नोट्स मिल जाएंगे, रजिस्ट्री डॉक का खर्चा हमारे इदारे का है। स्टेप टू, ऑडियो लेक्चर्स परचेज करें, राउंड अबाउट 250 लेक्चर्स हैं, फी 8000 है अभी, टू इनकरेज यू, दो बार सप्ली आ जाए तो 10000 की चिड़िया फुर से उड़ जाती है और तोते भी उड़ जाते हैं, फी देंगे और मुझे आप देंगे अपना मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तरतीब के साथ सारे लेक्चर उतर जाएंगे, डाउनलोड हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर ऐसा बना दिया है, आप क्लिक करेंगे, 2 और 3 क्लिक में चीज़ें सारी की सारी डाउनलोड हो जाएंगी आपके मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप में तरतीब के साथ। और तीसरा स्टेप, व्हाट्सएप पर पूछिए, सर कहाँ से शुरू करूँ, कौन सी बुक खोलूँ, प्रॉब्लम आ जाए व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए।
بینیفٹس کیا ہیں. ناکام اکیڈمیز سے آپ بچ جائیں گے, ڈسٹ سے بچ جائیں گے, پولوشن سے بچ جائیں گے, ٹریفک سے بچ جائیں گے, مارل کرپشن سے بچیں گے, بورنگ بکس سے بچیں گے, آپ کا ٹائم بچ جائے گا. آپ کسی سکول میں چلے جائیے, چھوٹے بچوں کو انگلش پڑھائیے, 5000 وہاں سے ارن کر لیجئے. جو ٹائم آپ نے کالج دینا تھا وہ سکول میں دے دیجئے. ٹو مچ ایکسپینسز سے بچ جائیں گے. ہمارے ایک ٹیچر ہیں, وہ بی اے کے انگلش کے 50000 مانگ لیتے ہیں سیدھے سیدھے, اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ لوگ دے بھی دیتے ہیں. فائنل, ٹرسٹ ان گاڈ, ٹرسٹ ان یور اون ہینڈ, ٹرسٹ ان یور کوچ اینڈ ٹرسٹ دیٹ یور کوچ ٹرسٹس ان حلال. دس از یور ہوسٹ, یور کوچ, لیکچرر ایم کے بھٹا, اینڈ مائی واٹس ایپ از 0333-4655-305 فار نوٹس اینڈ آڈیو لیکچرس. سو نائس آف یو, ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. بائے بائے.